गायत्री परिवार के तत्वाधान में युग निर्माण योजना के अंतर्गत एक गोष्ठी का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष के त्रिपाठी, महामंत्री रविन्द्र श्रीवास्तव, गायत्री परिवार के रामकरण आर्य सहित अन्य पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। गोष्ठी में अधिवक्ताओं ने व्यक्त निर्माण ही परिवार निर्माण की धुरी है, वैचारिक क्रांति से ही नए भारत का निर्माण होगा और अपना देश एक बार फिर से विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गायत्री परिवार के सदस्य रामकरण यादव ने कहा, जोड़ दिया हमारे संचालक जी ने, और ऐसे ही जब कहीं अन्याय होता है तो उसका प्रतिकार होता है, और जैसा कि प्रतिकारों से युद्ध की स्थिति का पैदा होना है आपने देखा अभी 10 दिन पहले। आध्यात्मिक, लौकिक और पारलौकिक विषय है। यहाँ लिखा है कि मंदह कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम। मैं मंद बुद्धि का हूँ लेकिन कवि के रूप में अपना नाम हो ऐसा भी चाहता हूँ, तो मेरी दशा वो है कि गमिष्यामि उपहास्यताम, मैं उपहास का पात्र बन जाऊंगा। कैसे? अगली लाइन में कहते हैं कि प्राण सुलभ्य फले यथा उद्बाहु इव पावनः। जैसे किसी लंबे व्यक्ति द्वारा हाथ से पाए जाने फल के लिए कोई बौना हाथ उठा के दौड़ रहा हो तो हंसी का पात्र बन जाता है, ठीक वही मेरी स्थिति इन विषयों के सामने है। रामकरण यादव, वानप्रस्थी, गायत्री परिवार। युग निर्माण योजना की आधारशिला रखी है, मनुष्य में देवत्व धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस कामना के साथ यह कार्यक्रम देश के स्वतंत्रता में अधिवक्तागण यहाँ काम किए थे। गांधी जी जैसे महान अधिवक्ता नेतृत्व किए थे। आज पुनः फिर हमारे इस देश को और दुनिया को बचाने के लिए स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई जो नैतिकता के रूप में है, और हमारा देश सबल बने, राष्ट्र चरित्रवान बने और विश्व शांति आए, इस उपलक्ष्य में इन अधिवक्ता महोदयों से यह निवेदन किया गया कि आप हर मामले में, चाहे वो गांव का मामला हो, चाहे गरीब का हो, चाहे किसान का हो, जब समस्या जब जब आती हैं तो आप जब ब्लॉक स्तरीय, तहसील स्तरीय, जिला स्तरीय समस्याएं प्रशासन और शासन से नहीं निपटी जाती हैं तब यह अधिवक्ता उनकी सहायता करते हैं और न्याय दिलवाते हैं। ऐसी कामना के साथ कि हमारे जो प्रशासनिक वर्ग हैं, जो शासनिक वर्ग हैं, उनको यह एक चेतना जागृत करें कि एक अच्छा आदमी देश का नेतृत्व करे और देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो, समाज और दुनिया विश्व शांति, शस्त्र के बल पर नहीं परंतु जो गुरुदेव की विचारों के बल पर, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जात बन सब एक समान, एक पिता की सब संतान, दुनिया एक धर्म, मानव धर्म को स्वीकार करे जो हमारा संविधान परिपोषित करता है। उस संविधान की हमारे देश से तो संदेश जा ही कि हम मानव धर्म को स्वीकार करते हैं और करता भी है। इस मानव धर्म का स्वीकार हमारे पड़ोसी मुल्क नहीं कर रहे हैं, हमारे और जो भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति से हट करके लोग हैं, अपना अलग अलग कहीं न कहीं मानवता में भेद खड़ा करके विश्व को अशांत करने के और युद्ध के उन्माद में और प्रकृति को विदीर्ण करने में लगे हुए हैं। ये सब सारी योजनाएं समर्पित कर करके इस योजना को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बीच वैचारिक क्रांति, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की भूमिका अदा की जाए, इस बात के साथ हम यह कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि आप लोग भी पुरजोर इसमें सहयोग करने का प्रयास करेंगे कि भारत फिर विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बने और संसार का नेतृत्व करे। धन्यवाद।